हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एडम मार्करम की हाफ सेंचुरी के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि एडम मार्करम की ये हाफ सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हाफ सेंचुरी थी। शुरुआत में तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हल्के खेला, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं बढ़ता गया इनकी भी स्पीड बढ़ती गई खेलने की। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पारी खेली सनराइजर हैदराबाद के लिए। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़रूरी पारी भी थी, क्योंकि तब के अटके चुके थे इस कारण। तो चलिए दोस्तों आप हम लोग इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के एडम मार्करम ने 75/35 के अंदर में पूरा करा था। और मैं आपको बता दूं कि एडम मार्करम का ये वाला 75 छक्के के साथ पूरा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि एडम मार्करम की इस 75 में कुल मिला के 5 पाउंड्री शामिल थी, जिस तरह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 चौके जड़े थे, वही इन्होंने कुल मिला के 3 छक्के भी जड़े थे। वही भतीजा इस शेगरेट की, तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी शेगरेट थी 145.71 की। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस मुसीबत में सनराइजर हैदराबाद थी, उस हिसाब से देखा जाए तो ये शेगरेट ठीक ठाक की शेगरेट मानी जाएगी। तो ये तो बात कर ली हमने पूरे एडम मार्करम के 75 के बारे में। वही भतीजा टोटल स्कोर की, तो मैं आपको बता दूँ कि एडम मार्करम अपने 75 के बाद ज़्यादा लंबी पारी खेल नहीं पाए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुल मिला के 16 ओवर पहुँच गए थे। और यहाँ पे दोस्तों अटैक करना था, और यहाँ पे दोस्तों फील्डर के हाथ में आ गई थी बॉल। और मैं इसी कारण दोस्तों यहाँ पे एडम मार्करम की पारी समाप्त हो गई थी, क्योंकि जब इनका 75 बना था तब 16-17 ओवर पे ही थे। मैं आपको बता दूं कि एडम मार्करम ने कुल मिला के 56 रन की एक बढ़िया पारी खेली थी, वो भी 40 गेंदों में, जिस तरह इन्होंने कुल मिला के 2 चौके और 3 छक्के जड़े। वही भतीजा ईशा गेट की, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 140 के ईशा गेट से रन्स बनाए थे। वही बात कीजिए कि आखिरकार एडम मार्करम आउट कैसे हुए थे, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये स्टार ने इनको आउट किया था। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि यह अभी कुल मिला के 16 और 17 ओवर चल रहा था, यानी दोस्तों 16-17 ओवर के आसपास से एडम मार्करम आउट हुए थे। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको कहा था कि यह उड़ाना भी था एडम मार्करम को, क्योंकि दोस्तों अभी रन सतत देने थे कुछ रन को, लेकिन दोस्तों अभी बॉल बाउंड्री था बोची ने डेविड मिला के हाथ में आकर उसी तरह यहाँ पे एडम मार्करम को पवेलियन जाना पड़ा। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने एडम मार्करम की टोटल स्कोर के बारे में, साथ ही साथ बात कर ली है हमने एडम मार्करम के आउट के बारे में। लेकिन दोस्तों जैसे एडम मार्करम खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो आखिर तक खेल देंगे, यानी वो नॉट आउट निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस IPL 2022 का एडम मार्करम का जीत 30/75 था। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि यह जो एडम मार्करम है ये दूसरी बारी आउट हुए है, इससे पहले वो दोस्तों लगभग सारी मैचेस में नॉट आउट रहे थे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे मैच को छोड़ के सनराइजर हैदराबाद का। तो दोस्तों वही बात की जाए एडम मार्करम की सिचुएशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने पहले 6 का जरा तो कुम लगे 90 मीटर का, जो कि देखा है जो दोस्तों वैसे ये आपको काफ़ी कम ही देखने को मिलेगा। वही बात की दूसरे सिक्स की, तो एडम मार्करम ने जीत चढ़ा था कुम लगे 85 मीटर का, तीसरे सिक्स चढ़ा था 80 मीटर का। तो इस बात के लिए हमने एडम मार्करम की सिचुएशन के बारे में वही बात की जाए कि क्या यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद जीती या नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी मैच चल रहा है, यहाँ पे दोस्तों दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है, क्योंकि जैसे कि हमने कल के मैच देखा था कि ऐसा लगता कि यहाँ पे बेंगलोर जीत जाएगी, क्योंकि उनको शुरुआत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली थी, लेकिन दोस्तों वो हार गई। इसी कारण दोस्तों यहाँ पे कोई भी जीत सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम्स भी जीत सकते हैं सनराइजर हैदराबाद भी। और दोस्तों इसी कारण मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन जीतेगा, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद ही जीतेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।